अभी अभी इस वीडियो के अंदर आप लोगों ने देखा कि क्रिस मूवी में ऋतिक रोशन एक ऐसा कंप्यूटर बनाता है जिससे कि फ्यूचर देख सके, फ्यूचर में क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं उसको हम अभी से देख के उसको ठीक कर सके, और फ्यूचर में सब कुछ कैसे अच्छा हो सकता है ये सब कुछ हम अभी से देख सकते हैं। बट रियलिटी में हम लोगों को पता है कि ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिससे कि हम लोग फ्यूचर को देख सकते हैं। पर भगवान ने हमको कुछ क्वालिटीज दी है और एजुकेशन के साथ साथ हमने उस क्वालिटी को डेवलप किया है जिसका यूज करके हम लोग हमारे फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं और अभी डिसीजन ले सकते हैं जिससे कि हमारा फ्यूचर ब्राइट बन सके। तो वो कौन सी क्वालिटीज है जो आपने अप टू 10th स्टैंडर्ड तक डेवलप की है? तो वो है आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपके लॉजिक्स, आपकी मैच्योरिटी, जिसका यूज करके आपको आपके करियर के लिए अभी डिसीजन लेना है ताकि फ्यूचर ब्राइट बन सके। बट जब ये डिसीजन लेने का टाइम आता है तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स और इवन पेरेंट्स भी कुछ पॉइंट्स के ऊपर जेन्युइनली हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमारे लॉजिक्स और हमारी मैच्योरिटी को अप्लाई करके सोचने की जगह पे हम लोग फ्लो को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। यानी कि सब लोग क्या कर रहे हैं हम वो करेंगे, या फिर दुनिया को दिखाने के लिए क्या करना चाहिए हम वो करेंगे। जबकि एक प्रॉपर करियर डिसीजन के लिए आपको कुछ पॉइंट्स के ऊपर जेन्युइनली सोचना चाहिए। तो साहस इंस्टीट्यूट के इस करियर गाइडेंस सीरीज के थर्ड पार्ट के अंदर मैं आपको कुछ पॉइंट्स देने वाला हूं जिसके ऊपर आप लोग जेन्युइनली सोचोगे, आपके 10th स्टैंडर्ड तक डेवलप की हुई आपकी स्किल्स यानी कि आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपके लॉजिक्स, आपकी मैच्योरिटी को अप्लाई करोगे। उस पॉइंट के अंदर आपको कुछ और पॉइंट भी एड ऑन करते हैं तो उसको एड ऑन कीजिए और प्रॉपर डिसीजन आपके करियर के लिए लेना है। यहाँ पे पहला पॉइंट मैं सजेस्ट करूंगा वो है आपका एजुकेशनल इंटरेस्ट, यानी कि पढ़ाई के लिए आपका एटीट्यूड किस तरह का है। इट मींस कि आपको बुक के दो कवर के बीच में जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसको अच्छे से रट के, या तो फिर टीचर्स आपको जो पढ़ाते हैं उसको अच्छे से याद रख के एग्जाम में लिख के उसके मार्क्स स्कोर करने में इंटरेस्ट है, जैसा कि थ्री इडियट्स मूवी के अंदर चतुर नाम के कैरेक्टर को था। या तो फिर आपका एटीट्यूड इस तरह से है कि आपको जो पढ़ाया जाता है उसको अच्छे से सीख के उसको प्रैक्टिकल लाइफ में किस तरह से अप्लाई किया जाता है टू बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन, ये सोचने में इंटरेस्ट है। यहां पे आपका एजुकेशनल एटीट्यूड और इंटरेस्ट जिस तरह का होगा उसके हिसाब से आपको आपके कोर्स का सिलेक्शन करना है। दूसरा पॉइंट मैं यहां पे सजेस्ट करूंगा वो है फ्यूचर स्कोप। इट मींस कि आप जिस स्ट्रीम में आगे बढ़ना चाहते हो उसकी फ्यूचर में वैल्यू कैसी होगी। अब ये चीज मैं आपको इकोनॉमिक लैंग्वेज के अंदर समझाता हूं। आप जिस स्ट्रीम में या कोर्स में आगे बढ़ना चाहते हो उसकी अगर फ्यूचर में डिमांड कम है और उसका सप्लाई बहुत ज्यादा है, मतलब के वो डिग्री या क्वालिफिकेशन वाले लोग घर घर पे मिलेंगे, तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि उस कोर्स के अंदर फ्यूचर अर्निंग के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। बट अगर आप कोई ऐसा कोर्स सिलेक्ट करते हो जहां पे फ्यूचर में डिमांड काफी ज्यादा होगी तो अनडाउटेडली उस फील्ड के अंदर आपकी इनकम भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगी। अब इसके लिए आपको साइंस और कॉमर्स फील्ड के अंदर जो अलग अलग कोर्सेज अवेलेबल है उसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी चाहिए। तीसरा पॉइंट मैं यहाँ पे जो सजेस्ट करूंगा वो है कैश फ्लो के बारे में, और ये जो पॉइंट है वो पेरेंट्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आपको जो भी स्ट्रीम में आगे बढ़ना है उसमें आपको पढ़ाई के लिए अभी कितना पैसा स्पेंड करना होगा, यानी कि कैश आउटफ्लो कितना होगा उसको कंपेयर करना है उस स्ट्रीम में फ्यूचर में इनकम की पॉसिबिलिटी कितनी है उसके साथ, यानी कि फ्यूचर के कैश इनफ्लो के साथ। अब अगर आप कोई ऐसी स्ट्रीम सिलेक्ट कर रहे हो जहां पे आपको करंटली पढ़ाई के लिए बहुत सारा पैसा स्पेंड करना पड़ता है, यानी कि कैश आउटफ्लो काफी ज्यादा है, और उसके सामने फ्यूचर में इनकम की पॉसिबिलिटी नॉर्मल ही है, तो फिर ये आपके लिए घाटे का सौदा है। पर अगर आप कोई ऐसी स्ट्रीम सिलेक्ट करते हो जहां पे आपको अभी पढ़ाई के लिए रीजनेबल पैसा ही स्पेंड करना है पर उसके सामने अच्छे एजुकेशन के साथ फ्यूचर में हाई इनकम की पॉसिबिलिटी है, तो ये आपके लिए डबल बेनिफिट का सौदा है। क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले तो पढ़ाई के पीछे आपका जो पैसा लगने वाला था वो भी सेव हुआ, और दूसरा फ्यूचर में इनकम भी अच्छी हुई। तो यहाँ पे आप कैश आउटफ्लो और इनफ्लो को कंपेयर करके आपकी स्ट्रीम सिलेक्ट करोगे।
फोर्थ पॉइंट में यहां पे सजेस्ट करूंगा स्किल डेवलपमेंट। देखो आपको इतना तो पता चल गया होगा कि आज के जमाने के अंदर सिर्फ एकेडमिक करियर के बेस के ऊपर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस हासिल नहीं की जा सकती। इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि एकेडमिक करियर के साथ साथ आपके अंदर कुछ स्किल्स का भी डेवलपमेंट हुआ हो, जैसे कि अच्छी कम्युनिकेशन स्किल, अच्छी प्रेजेंटेशन स्किल, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, टीम वर्क स्किल एटसेट्रा एटसेट्रा। तो जब भी आप आपके करियर के लिए स्ट्रीम सिलेक्ट कर रहे हो तो ऐसी स्ट्रीम को सिलेक्ट करो जो आपको आपके एकेडमिक करियर के साथ साथ ये सब स्किल डेवलप करने के लिए भी टाइम दे, ताकि आप फ्यूचर में सच में एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस हासिल कर सको। ये चार पॉइंट के अलावा आपको भी और कोई पॉइंट लगते हैं तो इस लिस्ट में जरूर ऐड कीजिए और उसके ऊपर लॉजिकली सोचिए। साहस इंस्टीट्यूट के करियर गाइडेंस सीरीज के नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं आपके साथ एक बहुत ही जबरदस्त फैक्ट शेयर करने वाला हूं जो मेजोरिटी लोग जानते हैं, बट फिर भी जब स्ट्रीम सिलेक्शन का डिसीजन लेना होता है तब इसके ऊपर गौर नहीं किया जाता है। तो ये नेक्स्ट सेशन आप लोग जरूर देखना। एंटिल देन ऑल द वेरी बेस्ट फॉर 10th रिजल्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।